अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। आज मैं बना रही हूँ रमजान स्पेशल चिकन चीज समोसा ट्रायंगल्स। बहुत ही मजेदार बनते हैं, झटपट बन जाते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल डेज में भी बना सकते हैं, गेस्ट के सामने बनाकर रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी एकदम झटपट, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश। आज चलिए, एक कढ़ाई के अंदर एक टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए 250 ग्राम चिकन का कीमा। वैसे ये थाई पोर्शन का कीमा है, आप चाहे तो ब्रेस्ट पोर्शन का कीमा भी ले सकते हैं। धो के अच्छा नितार कर डालिएगा। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। मैं डाल रही हूँ 3/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो आधा छोटे चाय का चम्मच डाल सकते हैं। चुटकी भर हल्दी, आधा छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बार चला लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक पानी नहीं छूट जाता। बार बार बीच बीच में चलाते रहें चिकन के कीमे को। जब पानी छूट जाए इस तरीके से और कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ और एक बार मिक्स कर लीजिए। फास्ट आंच पर हल्का एक उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके ढक कर 15-17 मिनट पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाता और पूरी तरीके से सूख नहीं जाता पानी। तब तक तकरीबन 15-17 मिनट हो चुके। बीच में मैंने एक बार चेक किया था, थोड़ा पानी था और गला भी नहीं था। तो चलिए ये देखिए, बहुत अच्छे से पानी सूख चुका है, नीचे लगने लगा है। तो इसका मतलब हमारा चिकन हो चुका है। आप चख के देख लीजिए, चिकन परफेक्ट है। मैंने अभी देखा था तो एकदम गल चुका है और ऐसा ही होना चाहिए, भुरभुरा टाइप, एकदम खिला खिला खुला खुला टाइप होना चाहिए चिकन के पीसेस। और वैसे ये हाथ का कूटा हुआ कीमा है, तो और आप देख सकते हैं बढ़िया से खुले खुले लग रहे हैं। हल्का नीचे चिटकने लगे तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे ठंडा होने साइड पर रहने दीजिए। इस बार ना मैंने जो शीट्स लिए हैं स्प्रिंग रोल्स के, ये बाजार के हैं। वैसे आप घर में बनाएंगे बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बनते हैं, झटपट 1-2-4 दिन पहले बनाकर रख दीजिए। अच्छा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ। बहुत ही बढ़िया बनते हैं, घर पर क्रिस्पियर भी बनेंगे और मज़ेदार बनेंगे। मैं चलते फिरते बनाती रहती हूँ और उसके आप समोसे के भी पट्टियाँ उसमें से बना सकते हैं और स्प्रिंग रोल्स की शीट्स भी हैं उसमें। चलिए, अब ये एक स्प्रिंग रोल की शीट लीजिए, उसे बीच में से 2 टुकड़े कीजिए और दो पीसेस को अब आप 4 पीस में कन्वर्ट कर दीजिए। इसी तरीके से मैंने तकरीबन 6-8 शीट्स के इसी तरीके से एक को 4 में कट करके ये रहे साइड पर रखा है। चलिए, कीमा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। आधा छोटे चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए और 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए पाउडर। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डालकर इसे मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चियां भी डाल सकते हैं। साइड से जो भी लगा हुआ है उसे भी अच्छे से स्क्रेप कर लीजिए, उसका भी फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है। हाँ, चलिए अब एक जो छोटी सी शीट हमने बनाकर रखी है वो लीजिए, उसके ऊपर ये जो चिकन का मिक्सचर है ये डाल दीजिए। लेकिन आप देखिए इस तरीके से डालना है, बीच में से थोड़ा रखिए और ट्रायंगुलर शेप में होना चाहिए, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा खुरची हुई चीज़ डाल दीजिए, आप चाहें तो चीज़ नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने ट्रायंगल करना है बीच में। अब जब हो जाए ये लगा दें आप, तो यहाँ साइड पर ये जो आटा होता है ना, उसको थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा गाढ़ा लई बना लीजिए। तो वो लई उस साइड पर 2 साइड पर ही लगाएं और फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करें और प्रेस करते जाएं। ये देखिए इस तरीके से, और आप जब प्रेस करेंगे तो ये एक बन जाएगा हमारा। हाथ में लेके भी आप इस तरीके से और उसे बेटर शेप देके प्रेस कीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया सा ये हो जाएगा। सील हो जाता है, फिकर मत कीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1-2 बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आ जाएगा, 1-2 थोड़े से ऊपर नीचे आपके ज़रूर बनेंगे, फिर बाकी के सारे सही तरीके से बन जाएंगे। प्लेटफॉर्म मेरा साफ ही है तो इसके लिए मैंने सारे पहले तो प्लेटफॉर्म पे ही बिछा दिया और उसी में एक एक करके सारों को मैं एक साथ ही ये कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। अच्छा, अब ये है कि जो चिकन लगा डाल रहे हो ना आप मिक्सचर, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। हाँ, क्योंकि वो फूलते हैं तो चिकन का मिक्सचर ज़्यादा होना चाहिए अंदर, तो मज़ा आएगा आपको खाने में। तो चलिए, ये मैंने इसी तरीके से सारे बना लिए हैं। आप चाहें तो इस समय फ्रिज में रखना है तो रख सकते हैं, मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, मैं यहीं से ही प्रोसीजर शुरू करती हूँ। अब एक बड़े से बाउल के अंदर 2 अंडा डाल दीजिए और उसे नमक डालकर अच्छे से फेंट कर उसे साइड पर रख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स, सादे वाले हैं, और इसे हाथों की मदद से इस तरीके से थोड़े छोटे पीसेस कर दीजिए, बड़े रहेंगे तो लगेंगे नहीं ना। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ अकेला अभी फ़िलहाल यही ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स, अच्छे पीसेस हो जाएँ।
ये देखिए दोनों सारे बन चुके हैं, एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट में ये दूसरे ये रहे, मैं पहले बता नहीं पाई आपको। चलिए अब अंडे में बहुत अच्छे से उलट पलट करते हुए लोट लीजिए, और ये जो कॉर्नफ्लेक्स है जो हमने तोड़े हैं हाथ से पीसेस किए, उनमें उलट पलट करते हुए अच्छे से प्रेस कर करके इसे इस तरीके से पूरी तरीके से वेल कोट कर दीजिए और साइड पर रख दीजिए। एक इस तरीके से बना लिए, इसी तरीके से आप सारे बना लें। कोटिंग ऐसा है ना कि आप चाहे सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स के साथ कोटिंग कर सकते हैं अंडे में डालने के बाद, या फिर आप कॉर्नफ्लेक्स के अंदर थोड़ा सा जैसे मैंने आपको कहा ब्रेड क्रम्स डालकर उसे मिक्स कर उसके साथ कोटिंग कीजिए। दोनों भी डालकर आप कोटिंग कर सकते हैं, या फिर अलोन इसके साथ भी कोटिंग कर सकते हैं। वैसे मैंने कुछ अलोन ये इसके साथ वाले बनाए हैं कॉर्नफ्लेक्स वाले, और दूसरे थोड़ा जो पोर्शन थे वो वाले मैंने इसमें थोड़ा सा ये डाल दिया ब्रेड क्रम्स, इसे मिक्स कर ये वाली कोटिंग का भी बनाया। अच्छा आप चाहें तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अंडा भी ना लगाएं, कोटिंग भी ना करें, डायरेक्टली फ्राई कर लें एज इट इज, क्योंकि हम स्प्रिंग रोल्स के लिए तो बनाते ही हैं यही शीट से, और घर की शीट्स हो बनी हुई तो बहुत ही मजा आएगा। वैसे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ, घर की शीट से बनाइएगा, मजा आएगा आपको खाने में। सारे बन जाए तो कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए नीचे आधे पौने घंटे के लिए, उसके बाद फ्राइंग प्रोसेस चालू कीजिए। मैंने अभी अभी ही ना ये जो तेल के अंदर आलू चीज बॉल्स तले हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। रेसिपी आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक उसका। चलिए ये आधा घंटा हो चुका है, इन्हें निकाल लिया, और अभी मैं यही तेल के अंदर फ्राई कर लेती हूँ, कुछ छान वगैरह नहीं रही हूँ। फास्ट आंच पर था, अच्छा गर्म हो गया तेल, तो मीडियम आंच कर दीजिए। जब मीडियम आंच कर ले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सबसे पहले एक डाल कर देख लें। एक डालें, कुछ सेकंड्स के बाद उसको उलट पलट करते जाएं, बार बार उलट पलट करते हुए मीडियम आंच पर फ्राई कर लें। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिस्पी हो जाएंगे। निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लें बैचेस के अंदर मीडियम आंच पर। एक पॉइंट शेयर करनी थी, जब आप भरें चिकन और चीज़ का भी साथ में तो ज़्यादा ज़्यादा डालिएगा, चिकन भी ज़्यादा डालिएगा, और अगर अकेले चिकन का भी बना रहे तो बहुत ही बेहतरीन बात है, उसमें भी ज़्यादा हिसाब से चिकन डालिएगा, क्योंकि जब ये फूलते हैं तो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और फिर अंदर ज़्यादा नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको। ये देखिए बढ़िया से फ्राई हो गए, मैं आपको एक बता देती हूँ कितने क्रिस्पी हैं, माशाल्लाह। एक मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, बढ़िया से मज़ेदार से बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए क्या बढ़िया से चीज़, आप जितनी चीज़ डालना चाहें डालें, आप चाहें तो बिना चीज़ डाले भी बनाएं, बढ़िया से मज़ेदार से बनते हैं। तो ये बन गए हमारे समोसा चीज़ ट्राइंगल्स। तो अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिए ये वाले वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो के लिंक्स ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करें इनके लिंक्स। और हाँ अच्छा, रमजान की मैंने खूब सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, प्लेलिस्ट का भी, तो आप वहां चेक कर लीजिएगा। बनाएं खाएं खुश रहें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।